हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, आज के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोनाउन के बारे में, जो है आपका सिलेबस। हम सेकेंड सेमेस्टर का डिस्कस कर रहे हैं, मतलब सेकेंड सेमेस्टर क्लास आपका चल रहा है, DLED सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं ना, करेंगे आज। ये आपकी क्लास 5 है, इसके पहले 4 क्लास हो चुके हैं, उसको जाकर देख लीजिए। ये क्लास नंबर 5 है। क्लास 4 में मैंने जेंडर बताया था, ठीक है, उसके पहले हमने नाउन को बताया था, और उसके पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि इंग्लिश में क्या क्या आपको आना है, आप पढ़ना है क्या क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, तो डेफिनेशन पूछ लेता है आपको एग्ज़ाम में कि प्रोनाउन का डेफिनेशन बताइए, तो ऑब्वियसली आप लोग को इंग्लिश में ही बताना है। तो आइए देखते हैं क्या है। द वर्ड विच इज यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज अ प्रोनाउन। ठीक है, तो इतना ही आपका है ये। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वह वर्ड जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं वो आपका प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो जो शब्द हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, रोहित इज़ माई क्लासमेट। ठीक है, रोहित क्या है, मेरा क्लासमेट है। अब रोहित की जगह पे कोई वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, और वह क्या है, एक इंटेलिजेंट लड़का है। तो ही किसके लिए यूज़ किए हैं हम, रोहित के लिए। ठीक है, तो रोहित क्या था आपका, नाउन था, और नाउन की जगह पे हम ही का यूज़ किए हैं, तो ही आपका प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोनाउन का डेफिनेशन यही कहता है, अब वह शब्द जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं वो आपका प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या है आपका, ही है आपका प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन, और ही किसके लिए हम यूज़ किए हैं, रोहित के लिए। ठीक है, तो रोहित आपका नाउन हो गया, और रोहित की जगह पे हम क्या यूज़ किए, ही, वो आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि ही इज़ अ प्रोनाउन बिकॉज इट स्टैंड फॉर अ रोहित। ठीक है, ही क्या है आपका, प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसके लिए लिखा गया है, रोहित के लिए लिखा गया है। रोहित आपका क्या है, मैस्कुलिन है, इसको हम पुरुषवाचक कहते हैं। ठीक है, जेंडर मैंने पढ़ाया था, तो पुलिंग को हम मैस्कुलिन कहते हैं, तो रोहित क्या था आपका, मैस्कुलिन था, ये बताया गया है। अब आता है काइंड्स ऑफ अ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार होते हैं, तो बहुत सारे आपके टाइप्स है, कहीं कहीं आपको 10 बताए जाते हैं, कहीं 12 बताए जाते हैं, कहीं 11 बताए जाते हैं। तो हमने 11 प्रोनाउन को लिया है, ये 10 प्रोनाउन को लिया है। ठीक है, तो सबके बारे में ये जानते हैं। आपको वैसे टाइप नहीं पूछेगा, कोई एक पर्टिकुलर प्रोनाउन का नेम दे के इसका डेफिनेशन पूछ लेगा उसका, या एग्जांपल पूछेगा, या सिंपली नाउन, सॉरी, प्रोनाउन का ही डेफिनेशन पूछ सकता है विथ एग्जाम्पल। तो ये सब हैं आपके, आइए नाम जान लीजिए। पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, जिसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है आपका इम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हम दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। और चौथा है आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हम प्रत्येक वाचक सर्वनाम कहते हैं। और रिसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको हम परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और लास्ट है आपका पोसेसिव प्रोनाउन, इसको हम अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉसेसिव से। और आपका पहला वाला एक ये है, किसी से पूछे या ना कि पूछे, इन दोनों ज़रूर पूछता है, पर्सनल से आपका और पॉसेसिव प्रोनाउन से। ठीक है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। तो पहला स्टार्ट करेंगे हम आज आपको, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, कैसे जानते हैं इसके बारे में। तो इसको जानने के लिए कुछ डायग्राम दिए गए हैं, आपको याद करने होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका है
पर्सनल प्रोनाउन यहाँ से है आपका। तो पहले जान जाइए, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है जिसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, ये आपका तीन टाइप का होता है, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम क्या कहते हैं, पुरुष भी कहते हैं हिंदी में और पर्सन कहते हैं आपका इंग्लिश में। तो कोई पूछेगा कितने पर्सन होते हैं, तो आपको तीन पर्सन होते हैं, याद रखिएगा। और ये तीनों पर्सन का यूज़ हम करते हैं इसमें व्यक्तिवाचक पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है। तो पुरुष तीन होते हैं, आ जाता है एग्जाम में, इंग्लिश में पुरुष कितने होते हैं, तीन होता है, जिसको हिंदी में हम पुरुष कहते हैं और इंग्लिश में आपको हम क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। तो तीन पर्सन होते हैं, मैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो पहले तो एक नंबर में ही पूछ लेगा कि आपके पर्सन कितने होते हैं, तो तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है और सेकेंड और थर्ड पर्सन में क्या होता है, क्या क्या आते हैं। ये सब प्रोनाउन ही आते हैं, ठीक है। पर्सन आपके प्रोनाउन ही होते हैं, वो तीन टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन, ठीक है। और ये सब आपके पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं, इन्हीं का यूज़ हम करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। तो एक आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, आई आता है और वी आता है, यही दोनों आते हैं, ठीक है। और आई से हम बना देते हैं आई, माई, मी, तो आई का माई हो गया, फिर मी हो गया, मी हो जाएगा, फिर आई माई मी मीन हो माइन होता है, फिर वी का होता है आवर होता है, अस होता है, आवर्स होता है। तो इस सबसे बनता है, लेकिन मुख्य आपके ही दो होते हैं, इनसे बाकी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पूछेगा कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, तो आपका आई आता है और वी आता है, ठीक है। और सेकंड पर्सन में आपके एक ही बस आता है, जिसको यू कहते हैं, बाकी इससे योर योर्स बनाए जाते हैं, वो बात की बात है, लेकिन मेन आपका सेकेंड पर्सन में आपका यू आता है, यू, ठीक है। यहाँ आई का मतलब समझ जाइए मैं होता है, इतना तो आप लोग पता होगा। वी का मतलब हम होता है और यू का मतलब तुम होता है, ठीक है। ये सब आपके पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट, ये फर्स्ट पर्सन है दोनों, ये सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है आपका। थर्ड पर्सन में ये सब आते हैं, ही, सी, इट, दे, ठीक है। ही मतलब बॉयज़ को कहते हैं, लड़के को ही मतलब वह हो जाएगा, बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं। और सी मतलब गर्ल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वह अगर लड़की रहेगी तो सी लिखेंगे, और वह अगर लड़का रहेगा तो ही लिखते हैं। इट तो मतलब उसके लिए करते हैं, निजी वस्तुओं के लिए करते हैं, ठीक है। इट मतलब यह, ठीक है, ये निर्जीव के लिए करते हैं। और दे मतलब वे होता है ना, ये प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। तो ये थे आपके पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और ये सब प्रोनाउन है आपके, ठीक है। ये याद रखिएगा, इन सब को याद रखिएगा, ठीक है। ये सब प्रोनाउन है और ये सब आपको इसी में यूज़ किए जाते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका पर्सनल प्रोनाउन, और इसमें कुछ जान जाइए, आपको ये याद रखने होंगे। ठीक है, तो ये तो आप पर्सन तो जाने हो, पर्सन क्या होता है अभी डिस्कस किए हैं, ये तीनों पर्सन हैं आपके, ठीक है। कि ये सब पर्सन दिए गए हैं, जैसे ये आपका फर्स्ट था, ठीक है, ये आपका सेकंड था, और ये सब आपके थर्ड थे ना। अभी देखें ये पर्सन है, अब इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है, और फिर इनका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आपका पॉसेसिव केस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपका आई और वी क्या है, आपका पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो कहेगा आई का सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब सब्जेक्टिव को वही होता है जो आई, वी का आई का आई ही होगा, वी का वी ही होगा, यू का यू ही होगा, ही का ही होगा, सी का सी होगा, दे का दे होगा, इट का इट होगा। मतलब जो पर्सन्स होते हैं वही उसके सब्जेक्टिव केस माने जाते हैं, और इसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। इसका दो नाम होता है, कोई भी दे दे, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, तो वो एटीज होते हैं, वो नहीं चेंज होते हैं। अब आता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस में अब सब चेंज हो जाएंगे, जैसे आई का आपका हो जाएगा मी, ठीक है, और इसका वी का हो जाएगा आपका अस, ऐसे यू का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यू, ही का हो जाएगा हीज, और सी का हो जाएगा हर, दे का हो जाएगा देम, और ईट का होगा ईट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप आपका नेक्स्ट है पॉसेसिव केस,
सारे इसी केस हैं। जो पर्सन होते हैं ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी के अलग अलग केस होते हैं। तो अभी आपने देखा सब्जेक्टिव केस, वो सब्जेक्टिव केस वही होता है जो आपके शब्द होते हैं, जो भी प्रोनाउन होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस सबके अलग अलग होते हैं, आपने देख लिया। अब है पॉसेसिव केस, ठीक है। तो पॉसेसिव केस भी दो टाइप्स का होता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब सब एग्जाम के दृष्टि सारे इम्पोर्टेंट है। ये नहीं समझे तो आप प्रोनाउन समझे ही नहीं। ये दो टाइप्स के होते हैं पॉसेसिव केस, दो दो होता है। एक होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें दो कैटेगरी हो गया है। तो जो आई है इसका होगा आपका पॉसेसिव केस में पॉसेसिव एडजेक्टिव माई हो जाएगा, ठीक है। वी का आपका आवर हो जाएगा, यू का आपका योर हो जाएगा, ही का आपका हीज हो जाएगा, और सी का आपका हर हो जाएगा, दे का आपका देयर हो जाएगा, ईट का आपका ईट्स हो जाएगा, ठीक है। ये हैं इसके। अब देखते हैं इसी के आपका पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो आइए देखते हैं फिर से पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो आई का आपका हो जाएगा, ये अब हम पॉसेसिव प्रोनाउन देख रहे हैं, आई का हो जाएगा माइन, वी का हो जाएगा आवर्स, यू का हो जाएगा योर्स, ही का हो जाएगा हीज, सी का हो जाएगा हर्स, दे का हो जाएगा देयर्स, और ईट का हो जाएगा ईट्स, ठीक है। तो ये थे आपके, किसी को भी कोई प्रोनाउन दे देगा तीनों में से, जो तीनों पर्सन हैं तो उनमें से किसी को एक दे देगा और कहेगा इसको ऑब्जेक्टिव केस बता दीजिए, या आप इसका पॉसेसिव केस बताइए। पॉसेसिव केस में से भी कोई कह देगा आप पॉसेसिव एडजेक्टिव बता दीजिए या पॉसेसिव आपके प्रोनाउन बता दीजिए। तो ये सब आपको याद रहेगा तभी बता पाओगे। तो ये थे, अब आपका स्टार्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। आइए इसका डेफिनेशन जानते हैं क्या है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है, जितने भी आप केस पढ़े वो तीन केस, उसमें आई था, वी था, यू था, सी था, ही था, इट था, दे था, ये सब आपके पर्सनल प्रोनाउन को कहे जाते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखिए, द पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर अ पर्सन्स, ठीक है। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, पर्सन्स कहे जाते हैं। ये है आपका, ये मेन आपका डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ से देखिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। लाइक नाउन दिस प्रोनाउन आल्सो हैव देयर सिंगुलर प्लूरल फॉर्म एंड आल्सो हैव अ जेंडर लाइक नाउन। मतलब कह रहा है कि जो प्रोनाउन होते हैं उनके भी अपना सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं और जेंडर उनका भी होता है। मेन डेफिनेशन ये था आपका, ठीक है, ये वाला डेफिनेशन था, इसको याद रखिएगा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ वन सेंटेंस। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो आपको सब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं, आइए देखते हैं। द फॉलोइंग प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन अ सब्जेक्ट। कुछ प्रोनाउन हैं जो पर्सनल प्रोनाउन है, और यही सब हैं पर्सनल प्रोनाउन। मैंने बताया है तीनों जो आपके केस होते हैं वही सब होते हैं। तो आई, वी, यू, ही, सी, दे और आपका इट भी होता है। तो इसका देखिए कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं। ये सिंगुलर पहले ले रहे हैं हम, तो आई देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का हो जाएगा। अब देखिए ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही भी क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। यही सब आएंगे अगर सेंटेंस में आपको जहाँ दिख गए हैं ये सब वर्ड, यही सारे वर्ड, ये सब आपके तुरंत मारिएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। जहाँ सेंटेंस में ही दिख जाए, आई दिख जाए, यू दिख जाए, सी दिख जाए, दे दिख जाए, इट दिख जाए, ठीक है। अब इसका और भी एग्जांपल देखिए, जो प्लूरल फॉर्म का एग्जांपल है, वी आर गोइंग टू मार्केट। तो वी वी क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन। यू यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू क्या है पर्सनल प्रोनाउन है आपका। तो ये सेंटेंस के थ्रू आपने समझा पर्सनल प्रोनाउन। कुछ नोट है इसको माइंड में रखिएगा, क्या है, कह रहा है यू ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, इट में स्टैंड फॉर वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन। मतलब कह रहा है यू जो होता है ना, इसको मतलब सिंगुलर की तरफ भी यूज करते हैं और मोर देन टू पर्सन, मतलब
प्लूरल की तरफ यूज करते हैं, लेकिन ये जो वर्ब लेता है, जो ये आपका फॉर्म लेता है वर्ब का, वो फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, ठीक है। यू ऑलवेज टेक अ फॉर्म जो लेगा प्लूरल फॉर्म लेता है, बहुवचन वाला फॉर्म लेता है। और यू को हम सिंगुलर की तरफ यूज करते हैं आपका, और प्लूरल की तरफ यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आई एंड वी आर नोन एज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अभी हम ऊपर कराए थे, आई वी फर्स्ट पर्सन में आ रहे थे ना, आपको लिखने के लिए भी आ जाएगा कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं। आई वी, आई इज यूज्ड बाय द स्पीकर टू डिस्क्राइब हिमसेल्फ, ठीक है। आई का यूज हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। स्पीकर मतलब जो डिस्क्राइब करता है वही मतलब फर्स्ट पर्सन होता है आई, ठीक है। वी आर इज यूज बाई मोर देन वन स्पीकर टू डिस्क्राइब, तो वी भी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है जो डिस्क्राइब करता है, ठीक है, स्पीकर का रोल निभाता है। आई और वी आपका स्पीकर होते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल है, और देखिए सी इज नोन टू मी, ठीक है। तो मी क्या है आपका, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये किसका है ऑब्जेक्ट, आई का, तो आई आपका क्या होता है, ये फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। आई का माई होता है, मी होता है, मी आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस का वो था एग्जाम्पल। अब देखिए आई नो यू, आई तो आपका यहाँ पर्सनल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यू तुम्हारा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू का क्या होता है, यू होता है, योर होता है, और यू होता है, तो यू आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है। ये तो आपका पर्सनल है ही, और ये आपका पॉसेसिव होता है, ठीक है। और प्लूरल में एग्जांपल और भी है, डोंट ट्राई टू चीट अस, अस भी क्या है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अस किसका है, वी का, तो वी का क्या होता है, वी आवर अस, ठीक है। तो वी हो जाएगा आपको वो पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, और ये आपका पॉसेसिव हो जाता है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव का भी यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का भी। अब देखिए यहाँ पे आई, देखिए आई, आई यहाँ पर्सनल हो जाएगा। आई नो योर पेरेंट्स, मैं, योर क्या हो जाएगा आपका, पॉसेसिव हो जाएगा, ठीक है। पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, जो आपका डायग्राम बताया बताए थे, यू का है ये, यू का, यू योर योर्स होता है, ठीक है। यहाँ पॉसेसिव केस दिए गए हैं, अलग से भी ले लिए मैंने कि आप लोगों को रिमाइंड रहेगा। पॉसेसिव केस, सॉरी एक नंबर, एक मिनट, पॉसेसिव केस, ये मैस्कुलिन का है, ये फेमिन का है, तो ये माइन, ठीक है, ये योर्स, देयर्स, आवर्स, हीज, ये सब पॉसेसिव केस कहे जाते हैं। ये मतलब मैस्कुलिन है, मतलब कि क्या है, पुरुष के लिए यूज किए जाते हैं, और ये आपके हैं फेमिन, ये भी आपके पॉसेसिव केस ही हैं, लेकिन ये स्त्रीवाचक के लिए यूज किए जाते हैं, स्त्री के लिए। तो माइन, योर्स, देयर्स, आवर्स, हर्स, सब सेम रहेगा पुरुष स्त्री के लिए, बस यहाँ पे हीज लड़के के लिए करते हैं, और आपका हर लड़की के लिए करते हैं, बस यहाँ चेंज हो जाता है, ये पॉसेसिव है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है क्या है, द फॉलोइंग प्रोनाउन आर यूज्ड एज अ पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ऊपर भी मैंने पोसेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल दिया था, आपको बताया भी है, पोसेसिव प्रोनाउन दो टाइप का होता है, एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये बहुत कन्फ्यूज करता है कि कहाँ हम पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करें और कहाँ पोसेसिव प्रोनाउन का यूज़ करें, क्योंकि दोनों लगभग सेम होते हैं दिखने में। जैसे कि ये आपका है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है, इसमें दोनों आ गए हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव भी है, पोसेसिव प्रोनाउन भी है। तो जैसे सिंगुलर है आपका, एग्जांपल दिया गया सिंगुलर का, दिस इज बुक, दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरा है, तो माइन आपका क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। आई माई मी माइन था, तो आई आपका सब्जेक्टिव केस हो जाता है, और माई आपका पोसेसिव, ठीक है, अब मी आपका ऑब्जेक्टिव, अब माइन आपका क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है। दूसरा है आपका इट इज योर पेन,
यह आपका पेन, यह तुम्हारा पेन है, तो ये योर है जो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। चार्ट में देख लीजिएगा, यू का होता है, यू का पॉसेसिव आपका हो जाता है योर, ठीक है। तो ये कैसे यूज़ करते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब प्लूरल में भी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है, दोज शर्ट आर आवर्स, ठीक है। वो शर्ट किसके हैं, मैं हमारे हैं, तो आवर किसका होता है, आवर वी का होता है, वी आपका नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, या पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं इसका, वी आवर अस होता है ना, वी आवर अस, तो आवर आपका वो पॉसेसिव हो जाता है, ठीक है। आवर्स भी होता है आपका, आवर्स, तो हमने दो टाइप बताया था पॉसेसिव का, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है, ये आपका प्रोनाउन हो जाता है, प्रोनाउन, ठीक है। तो ये है आपका, ये मेनली क्या हो जाएगा आपका, पोसेसिव प्रोनाउन है ये, ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ देखिए, दीज पेन्स आर योर्स, ठीक है, ये भी योर्स, ये भी पोसेसिव प्रोनाउन है आपका। देखिए, जो योर होता है वो आपका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, और जो आपका आवर होता है वो भी पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, जब एस लग जाता है तो पोसेसिव प्रोनाउन बन जाता है, तो बहुत कंफ्यूज करता है, दे देगा कि दो शर्ट आर योर, योर नहीं होगा, योर्स होगा, अगर योर लिखते हो तो वहाँ वो पोसेसिव एडजेक्टिव कवर करेगा, जो गलत है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो बीच में आता है, तो अगर यहाँ योर होता है तो योर बीच में आता है, यहाँ योर्स है, सही है, जो आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन, वो लास्ट में ही आते हैं, ठीक है। तो इसे मतलब ये दिख रहा है कि ये लास्ट में आए हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। नोट है कुछ, कह रहा है योर्स इज यूज टू शो द पॉसेसिव ऑफ वन और मोर देन वन पर्सन, मतलब योर अभी बताएं कि यू दोनों की तरह रिएक्ट करता है, सिंगुलर की तरह भी और प्लूरल की तरह भी, तो ऐसे यू का ही योर्स बना है आपका पॉसेसिव है केस, तो ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज किया जाता है। सी स्टैंड फॉर अ फीमेल सिंगुलर नाउन यूजुअली नॉट अ पर्सन एट द प्लेस ऑफ अ स्पीकिंग, मतलब सी भी किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए यूज करते हैं, स्त्री के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये कह रहा है। तो वो था आपका पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में याद रखिएगा क्या क्या आता है, आई आता है, वी आता है, यू आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, तो ये सेंटेंस में कहीं भी दिखे तो जान जाएगा वो पर्सनल प्रोनाउन है, फिर से लिखते रही हूँ, सेंटेंस में कहीं हो आपका आई वी यू ही सी दे इट, ठीक है, ये सब होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन हो जाता है आपका, ये सेकेंड पर्सन हो जाता है, और ये आपके सब थर्ड पर्सन हो जाते हैं, ये सब थर्ड पर्सन, तो ये याद रखिए, कहीं भी दिख जाए आपको ये क्या हो जाते हैं आपके, पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन आपका खत्म हो चुका है, दूसरा स्टार्ट करते हैं आपका प्रोनाउन में रिफ्लेक्सी प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सी प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, निज वाचक सर्वनाम कहते हैं, निज वाचक सर्वनाम, ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में, वेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन इट सेल्फ, ठीक है, वी हैव टू यूज अ रिफ्लेक्सी प्रोनाउन, मतलब रिफ्लेक्सी प्रोनाउन का यूज तब किया जाता है जो सब्जेक्ट खुद को कुछ बताता है, ठीक है, खुद के बारे में बताता है, वो आपको रिफ्लेक्सी प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। तो आइए आइए इसका यूज देखते हैं, रिफ्लेक्सी प्रोनाउन का एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और देख लीजिए इसका पहचानने का तरीका ये है कि आपके सेल्फ सेल्फ किसी भी सेंटेंस मतलब कि जो वर्ड होगा उसमें यूज हुआ होगा, तो आप समझ जाइएगा वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही अपना नुकसान पहुंचाया या खुद को हर्ट किया, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ही होता है निजवाचक, निज मतलब खुद पे, मतलब खुद के लिए कुछ करना, ठीक है, खुद करना या खुद के लिए करना, वो आपका हो जाता है निजवाचक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं। देखिए सेंटेंस में जब भी सेल्फ आ जाए किसी वर्ड के साथ वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को क्या किया, चोट पहुंचाया, तो ये देखिए सेल्फ आया है, आई सेंटेंस से भी लग रहा है कि मैंने खुद के लिए कुछ काम किया या खुद के लिए कुछ किया है, वो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा देखिए, ही
पैक्ड अ केक फॉर हिमसेल्फ। उसने क्या किया, खुद के लिए पैक कराया केक को। ठीक है, देखिए ये सेल्फ यहाँ भी आ रहा है, तो जहाँ भी सेल्फ दिख जाए वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, अब इसका है फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। द सफिक्स सेल्फ इज एडेड टू सम सिंपल प्रोनाउन टू मेक अ सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वेयर एज द एडिशन ऑफ अ सेल्फ टू मेक प्रोनाउन मेक प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कह रहा है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं वो हम सेल्फ का यूज़ करते हैं। हम अभी बताए हैं आपके ऊपर कि जहाँ भी जिस भी वर्ड में सेल्फ आ जाए आप समझ जाइएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और ये जो सेल्फ है आपका, ये सेल्फ है ये आपका सिंगुलर के लिए यूज करता है। अगर आपको प्लूरल में इसको यूज करना है तो वो आपका होता है सेल्फ्स। ठीक है, ये दिखाया गया है आपको, ये सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि अगर आप सेल्फ को सिंगुलर में यूज करना चाहते हैं तो आप सेल्फ लिखिए, और इसको प्लूरल में यूज करना चाहते हैं तो आप सेल्फ लिखिए। प्लूरल मतलब क्या, बहुवचन में यूज करना चाहते हैं तो सेल्फ होता है, सेल्फ से होता है, और सिंगुलर मतलब एक वचन में यूज करना होता है तो सेल्फ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है माई में आपको इसको माई को जो माई है इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो सेल्फ ऐड कर दीजिए, तो ये क्या बनता है आपका माई सेल्फ बन जाता है। ठीक है, माई सेल्फ बन जाता है। ऐसे ही आपका आवर है, आवर में आपको आवर आपका प्लूरल है, पता है ना वी से बनता है। वी वी क्या है, वी मतलब हम होता है, मतलब ये प्लूरल फॉर्म है, तो अब यहाँ पे सेल्फ ना जोड़ के हम सेल्फ से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आवर सेल्फ, तो ये आवर सेल्फ आपका बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ठीक है, आवर सेल्फ। ऐसे योर, योर योर आपका सिंगुलर, सिंगुलर यू से ही बना है, योर यू से, योर योर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये सिंगुलर है और इसको प्लूरल की तरफ यूज करते हैं, तो इसमें आप सेल्फ यूज कर सकते हैं और सेल्फ से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ यूज करेंगे तो योर सेल्फ हो जाएगा, और सेल्फ से यूज करेंगे तो योर सेल्फ हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। हिम सिंगुलर है ना, हीज हिम, ही क्या होता है सिंगुलर होता है, उसी का ये ऑब्जेक्टिव केस है। हिम में जब सेल्फ यूज करेंगे तो हिम सेल्फ हो जाएगा, अगर यही इसको प्लूरल बनाना होगा तो सेल्फ से यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हिम सेल्फ आपका। ठीक है, तो ये था आपका पॉसेसिव प्रोनाउन और आपका पर्सनल प्रोनाउन। आज दो प्रोनाउन हमने डिस्कस किया है और आपको बताए हैं पर्सन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। और आपको बताया गया है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान को बताता है, और उसमें आपका क्या क्या आता है, आई आता है, वी आता है, यू आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है। तो जहाँ सेंटेंस में ये सब चीज़ें देखें तो आपको क्या क्या बताना है उसको पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, और फिर आपका मैंने रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बताया, तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जिसके अंत में सेल्फ लगे होते हैं वो खुद के बारे में बताते हैं। ठीक है, वो आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव का मतलब से ही समझ में आ रहा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निज मतलब क्या, खुद का, खुद के लिए करना, वो आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ये आपका नोट्स चाहिए चाहिए अगर आपको तो टेलीग्राम लिंक से ऐड हो जाइए, आपको मिल जाएगा। वो है आपका DLED स्टडी क्लासेस एट द रेट है आगे। ठीक है, एट द रेट DLED स्टडी क्लासेस, इस पर जुड़ जाइए, आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग आपके प्रोनाउन बचते हैं। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।